नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा एडुकेटर चैनल पे। तो आज से जो है आपका ये क्रेस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, जो कि एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि RSSB की एक एग्ज़ाम है, राजस्थान कर्म चयन बोर्ड की। तो उसका जो आज जो कौन सा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कौन सा टॉपिक पहले आने वाला है। तो पहला जो है कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी में जो फर्स्ट में बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन और सोसाइटी में क्यों चाहिए लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं लंबा नहीं हुआ तो अपन जो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी तक ये पूरा कवर करेंगे। और ये जो सारा जो कवर करेंगे वो एक ऑथेंटिक बुक्स है, जिसका आपको लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम ऑथेंटिक है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब देखेंगे कि जो ये लाइंस हैं वो आपको वहीं से मिलेंगी जो कि उन बुक्स में दे रखी है। हालांकि ये तो आपको तभी याद होंगी जब बार बार आप रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से जो क्रैश कोर्स है, तो इसमें जल्दी से आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करेंगे। एकदम अच्छे से, एकदम क्वालिटी वाला मटेरियल जो है मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो बुक्स, तो जिनमें से ये है NIOS की बुक्स हैं। इनमें से मैंने जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं कि हाँ ये आपके सिलेबस में है, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रंथालय, तो इसका एकदम हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, मतलब लाइब्रेरी, ठीक है। हालांकि जब मैंने सिलेबस का वीडियो जब शेयर किया था तब मैंने पूछा था आपके रिव्यूज़ वगैरह कि आपको हिंदी में चाहिए मटेरियल या फिर इंग्लिश में, तब काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान बोल सकते हैं वो हिंदी के लिए आए थे। तो मैं हिंदी में जो ये PDF जो है आपको बताऊंगी, जो भी मटेरियल है। अगर आपको इंग्लिश में PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको जो है वो भी आप इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। हालांकि ये हिंदी में स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपन देखा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी क्या है, क्यों है, समाज में इसकी क्या भूमिका है, वो इसमें देखने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ग्रंथालय की परिभाषा, मतलब लाइब्रेरी की क्या परिभाषा है। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द जो है लिब्रेरिया से हुई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो लिब्रेरिया, जिसका अर्थ है पुस्तक, मतलब ग्रंथ रखने का स्थान, ठीक है, पुस्तक ग्रंथ रखने का स्थान, उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरिया। तो उसकी उत्पत्ति जो है लाइब्रेरिया शब्द से हुई है, लाइब्रेरी की, ठीक है। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये जो सारी चीज़ें वो आपको पता है कि कैसे क्या लाइब्रेरी होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रंथालय इस प्रकार एक सामाजिक संगठन और समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। ये एक संगठित ढंग से समाज के ज्ञान, अनुभवों और व्यक्तियों में प्रसारित करते हैं। इनका प्रसारण पुस्तकें और अन्य सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, फोनो, रिकॉर्ड, माइक्रोफिल्म आदि के द्वारा किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि डॉक्टर SR रंगनाथन जो है वो भारत के ग्रंथालय विज्ञान के जनक ने ग्रंथालय व्याख्या की जो इस प्रकार की है। तो ये जो डॉक्टर SR रंगनाथन है वो क्या भारत में लाइब्रेरी के जनक माने जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे कि जो भारत के लाइब्रेरी के जो जनक कह सकते हैं जिनको, तो वो कौन है, डॉक्टर SR रंगनाथन। तो ये आप ज़रूर याद रखें, अपने नोट्स में आप बनाते जाएं कि जो डॉक्टर SR रंगनाथन जो है वो क्या है, भारत के ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी के विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। उनके अनुसार लाइब्रेरी क्या है वो बताया है इन्होंने, ग्रंथालय ऐसी सार्वजनिक संस्था या प्रतिष्ठान है जिसका दायित्व और कर्तव्य जो है ग्रंथालय संग्रह की देखभाल करना तथा उन्हें उन लोगों को उपलब्ध कराना जिनकी इन्हें आवश्यकता है। मतलब ऐसी जगह है जिनका एक कर्तव्य ऐसा है कि उन बुक्स को
देखभाल करना उनकी और उन लोगों को उपलब्ध कराना जिनको इनकी नीड है। अब जो ग्रंथालय में क्या क्या मिलेंगे आपको, मानव के विचारों के अभिलेख, सुव्यवस्थित संग्रह होता है। इन अभिलेखों के भौतिक स्वरूप में पांडुलिपि, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ग्राफ, माइक्रोफिल्म, चार्ट आदि सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जो लाइब्रेरी के उद्देश्य क्या हैं, कार्य क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। जो लाइब्रेरी स्थापित करने का जो उद्देश्य है, तो मैं ग्रंथालय की जगह लाइब्रेरी भी बोलूँ तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि लाइब्रेरी है, क्योंकि ग्रंथालय का एकदम सटीक हिंदी अर्थ है कि मानव के विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्तियों से संबंधित अभिलेखों को सबके लिए उपलब्ध कराना, सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य क्या क्या है, तो कार्य है ग्रंथालय में ग्रंथों, तो आज का वीडियो जो है एक बेसिक पे रहेगा कि क्या चीज़ें हैं, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर आके जो है आप वीडियो को आगे निकाल के भी देख सकते हैं फॉरवर्ड करके। तो ग्रंथालय में ग्रंथों एवं ग्रंथेतर अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना, जिससे कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के चिंतन से अवगत हो सके और स्वतंत्र चिंतन अनुरूप कार्य कर सके। नेक्स्ट है ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के विकास और विस्तार में वृद्धि करना, समाज में औपचारिक और अनौपचारिक जीवन पर्यंत स्वशिक्षा की सुविधा प्रदान करना, मानव जाति के साहित्यिक और सांस्कृतिक निधि को भावी पीढ़ी के लिए संस्कृति व अनुसंधान सामग्री के साधन के रूप में संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ताओं को आयु, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना विश्वसनीय सूचनाओं को उपलब्ध कराना, ये सभी जो है लाइब्रेरी के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट है प्रबुद्ध नागरिकता एवं उन्नत व्यक्तिगत जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी संसाधनों का संकलन करना और समुदाय की संस्कृति को उन्नत बनाने में सुविधा प्रदान करना, ये सभी जो है लाइब्रेरी के कार्यों के अंतर्गत आता है, उद्देश्य कह सकते हैं। अब है कि लाइब्रेरी एवं सूचना केंद्र, जो उनकी अवधारणा और समाज में भूमिका क्या है, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको सिलेबस में बता देती हूँ कि कहाँ पर है। तो ये लाइब्रेरी के बारे में देख लिया, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, उसके बाद है सोसाइटी के बाद में इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो ये सभी जो सेकंड टॉपिक है वो देखने वाले हैं। उसके बाद जो है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, तो जो लाइब्रेरी है उसकी क्या समाज में भूमिका है। तो पहली है शिक्षा के तौर पर किस प्रकार से है, तो ग्रंथालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति और समूह के आत्मविश्वास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अभिलिखित ज्ञान और व्यक्ति के बीच की दूरी को कम करता है, तो आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी कितनी काम आती है एक शिक्षा के लिए, तो इसमें कोई बताने की इतनी कोई नीड नहीं है, आप सभी को पता है। सूचना प्रसार के लिए, तो ग्रंथालय लाइब्रेरी जो है प्रत्येक व्यक्ति और समूह के लिए उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सही अद्यतन सूचना उपलब्ध कराती है, तो ये भी काफ़ी इतना है इस सूचना प्रसार को बताने के लिए। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रोत्साहन, तो उसका एक जो है संस्कृति का प्रोत्साहन किस प्रकार से होता है लाइब्रेरी के द्वारा। ग्रंथालय जो लाइब्रेरी है मुख्य केंद्र के रूप में सांस्कृतिक जीवन को और सहभागिता का प्रसार, मनोरंजन व समस्त कलाओं का मूल्यांकन करने का कार्य करता है। उसके बाद है मनोरंजन के रूप में कैसे, तो ग्रंथालय अवकाश के समय का सकारात्मक उपयोग करने, तो कोई मनोरंजन करने के लिए किसी को नॉवेल पढ़नी है तो वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं, किसी को जो है कोई जैसे मैगजीन्स आती है तो वो पढ़ सकते हैं, कोई जो पुरानी बुक्स है किसी के जैसे महात्मा गांधी के लिखी हुई बुक्स है, बहुत सारे लेखकों की बुक्स आपको मिल जाएगी जिसको आप पढ़ने में आपको काफ़ी आनंद आएगा। इस तरीके से काफ़ी जो है आपको कॉमिक बुक्स भी जो है आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जिससे कि मनोरंजन हो जाता है सभी का, चाहे वो किसी भी एज के हो, सभी के एज के अकॉर्डिंग जिस इंसान को जैसी बुक चाहिए वो लाइब्रेरी में उसको उपलब्ध हो जाती है। जैसे किसी को पत्र पत्रिकाएं चाहिए, समाचार पत्र चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सभी उपलब्ध होती है कहाँ पर, लाइब्रेरी के अंदर। नेक्स्ट है ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था किस प्रकार से है, तो इसमें देखते हैं कि लाइब्रेरी जो है एक जो सोशल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से है, इंस्टीट्यूट जो है सोशल इंस्टीट्यूट किस प्रकार से है, तो इस पर
पहला है इसमें आजीवन स्वयं शिक्षा प्राप्त करने में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना, ये किसका काम है? ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी का। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को सभी विषयों पर नवीनतम तथ्य एवं सूचना उपलब्ध कराना बिना किसी भेदभाव और संतुलित रूप से सभी के लिए अभिलिखित विचारों को उपलब्ध कराना, अवकाश के समय सकारात्मक उपयोग के लिए सभी को अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है प्राचीन काल से संबंधित विषयों पर शोध करने के लिए मानव जाति की साहित्यिक धरोहर का परिरक्षण करना, समाज के अभिलिखित विचारों का संरक्षण करने वाली प्रमुख एजेंसियों के रूप में समाज कल्याण के लिए कार्य करना। नेक्स्ट है ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र अवधारणा और समाज में भूमिका, तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो इसमें जो है ग्रंथालय पुस्तकों के अध्ययन के प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लाइब्रेरी है वो क्या एक पुस्तकों के अध्ययन के प्रति जो है रुचि जागृत होती है। नेक्स्ट है ग्रंथालय सामाजिक सामंजस्य की सुविधाएं प्रदान करते हैं, हाँ जो सामाजिक सामंजस्य पैदा हो ऐसी वो सुविधाएं देते हैं, जैसे चर्चा करने के लिए, गोष्ठी के लिए, प्रदर्शनी के लिए, ये सभी चीज़ें जो है एक लाइब्रेरी जैसी एक सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है ग्रंथालय जो है एक ज्ञान संरक्षण करता है, तो ज्ञान का संरक्षण तो होता ही है, काफ़ी पुरानी पुरानी बुक्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट है शिक्षा में ग्रंथालय की भूमिका, तो ग्रंथालय का लोक विश्वविद्यालय स्वरूप, ग्रंथालय जन शिक्षा का केंद्र है, सतत शिक्षा के केंद्र के रूप में ग्रंथालय। नेक्स्ट है ग्रंथालय एक सूचना विज्ञान, अब है जो सूचना के केंद्र कितने कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसे कि जो तीन इंपॉर्टेंट है, सूचना विश्लेषण केंद्र, सेकेंड है क्लियरिंग हाउस, थर्ड है डाटा केंद्र या फिर डाटा बैंक। तो पहला है सूचना विश्लेषण केंद्र, किसको कहेंगे कि यह केंद्र विशेष क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का संकलन, संग्रह, उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन और उनका संप्रेषण अनुसंधान में कार्यरत विशेषज्ञों को उनकी मांग व उनकी उपयोगिता के अनुसार जो है प्रदान करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सूचना विश्लेषण केंद्र। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस क्या कहलाएगा, क्लियरिंग हाउस या तो सहयोग के आधार पर या फिर राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं, कौन से, क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट है डेटा केंद्र या फिर डेटा बैंक किनको कहेंगे, तो डेटा जो केंद्र उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशिष्ट विषयों से संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन और व्यवस्थापन और संग्रहण करता है, कौन करता है, डेटा केंद्र या फिर डेटा बैंक। नेक्स्ट है ग्रंथालय या और सूचना केंद्र में, तो जो लाइब्रेरी है और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है या फिर इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, इनमें क्या अंतर है, क्या मोटा मोटा अंतर है वो देख लेते हैं। सूचना युग में ग्रंथालय और सूचना केंद्र समाज स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है, जो लाइब्रेरी एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक परिवर्तन से ग्रंथालय की भूमिका भी प्रभावित होती है, वर्तमान समाज में प्राय सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के लिए कई कारण जिम्मेदार है, ये कारण है समाज में राजनीतिक और धार्मिक स्थिरता, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, साक्षरता में उच्च वृद्धि, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थानीय सामाजिक परंपराएं, प्रवर्तन के कारण जो है जनसंख्या का शहरीकरण व वैश्वीकरण, तो ये सभी चीज़ें जो हैं किसके लिए एक जो जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं, किन के लिए, जो परिवर्तन आ रहे हैं आज के समाज में। तो नेक्स्ट जो है व्यापार वाणिज्य उद्योग और व्यवसाय में वृद्धि, राष्ट्रीय स्थानीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन, उच्च जीवन स्तर, विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं और व्यक्तियों का प्रभाव, सुस्थापित पुस्तक व्यापार, जनसंचार और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। तो अब है कि जो लाइब्रेरी था और सूचना केंद्र में क्या अंतर है, तो कई प्रकार से जो लाइब्रेरी है वो सूचना केंद्र से भिन्न है। तो जो लाइब्रेरी है वो अपने उपयोगकर्ताओं को समष्टि प्रलेख प्रदान करते हैं, जबकि सूचना केंद्र व्यष्टि प्रलेख प्रदान करते हैं। ग्रंथालय सूचना केंद्र से विभिन्न प्रकार के प्रलेखों के संग्रह हैं,
उपयोगिताओं के स्तरों व प्रकारों, प्रलेखों के स्थान पर सूचना की उपलब्धि से और आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने में भिन्न है। ये न केवल सूचना का संग्रह है, प्रसंस्करण और उसको प्रदान करते हैं, अपितु सूचना का विश्लेषण तथा प्रदर्शन भी करते हैं। मुख्य भिन्नता यह है कि ग्रंथालय केवल प्रलेख प्रदान करते हैं, जबकि सूचना केंद्र न केवल प्रलेख प्रदान करते हैं अपितु प्रलेख में से उचित सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, पुस्तकालय में सूचना से संबंधित पुस्तक प्रदान की जाती है, जबकि सूचना केंद्र में यथार्थ सूचना न कि पूरी पुस्तक की। जैसे कि कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है मुझे, अगर मैं पुस्तकालय में अगर जाऊँ तो मुझे पहले तो एक बुक लेनी पड़ेगी, बुक में से भी मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ जो है, ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर सीधे अपन सूचना केंद्र पर जाते हैं, सूचना केंद्र देख सकते हैं जहाँ पे सभी जो ये मल्टीमीडिया सारे चीज़ें उपलब्ध होती है, कंप्यूटर वगैरह सभी, तो वहाँ पर सीधा सर्च, गूगल पे सर्च करके अपन ये सारा मटेरियल देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या होती है। तो इसमें इतना जो ज़्यादा चेंज है। तो ये था आपका एक जो पहला जो टॉपिक मैंने बताया, ये इस पीडीएफ में कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अभी तक तो जो है वो एक बेसिक सा आइडिया आपने पढ़ के ले लिया था, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की क्या पुस्तकालयों के या फिर ग्रंथालयों के कौन से प्रकार होते हैं, तो ये देखेंगे। तो इसमें है ग्रंथालय और सूचना केंद्रों के प्रकार, ठीक है। तो पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय या ग्रंथालय, लाइब्रेरी, ठीक है। सार्वजनिक ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था है, समाज के कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वजनिक ग्रंथालय के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। तो जनता को ज्ञान के लिए प्रेरित करना, स्वयं शिक्षा के माध्यम से साक्षरता का स्तर सुधारना, सूचना प्रसार केंद्र के रूप में जीवन भर सीखने की आवश्यकता के केंद्र के रूप में, समुदाय का बौद्धिक केंद्र बनाने के लिए मनोरंजन केंद्र के रूप में, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। अब है सार्वजनिक ग्रंथालय की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है। सार्वजनिक ग्रंथालय गैर लाभ के ग्रंथालय हैं, इनमें कोई लाभ नहीं होता है, ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सभी लोग इनको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रयोग कर सके। ऐसा नहीं कि बस एक परिवार या दो परिवार या फिर इस तरह के लोग ही इस लाइब्रेरी को प्रयोग करेंगे। ये सभी के लिए, अमीर गरीब, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, सभी के लिए बराबर एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, गैर लाभ की, जिसकी स्थापना जनता के उपयोग के लिए जनता की विधि द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक ग्रंथालय जनता के द्वारा जनता के हित में जनता के लिए संचालित होता है। ये प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जन्म, जाति, रंग, लिंग, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर के निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। आमतौर पर सभी प्रकार के ग्रंथालयों के 5 उद्देश्य होते हैं, जैसे शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, सौंदर्य प्रशंसा और अनुसंधान। उदाहरण के लिए शैक्षिक ग्रंथालय का उपयोग, मुख्य उपयोग जो है वो शिक्षा व अनुसंधान के लिए होता है, विशिष्ट ग्रंथालय का सूचना और अनुसंधान के लिए। लेकिन सार्वजनिक ग्रंथालयों के द्वारा जो है 5 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब है यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र क्या है। तो यूनेस्को जो है, इन्होंने जो एक घोषणा पत्र जारी किया कर रखा है लाइब्रेरी को लेकर, तो वो क्या है। तो जो जिस यूनेस्को की बात कर रहे हैं वो आपके सिलेबस में भी है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, तो इनके जो भी नियम हैं, कोई भी घोषणा पत्र है वो ज़रूर जो है फॉलो किए जाएंगे कहीं भी, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो भारत में इनका सदस्य राष्ट्र है, तो ये सबसे बड़ा यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में है पहले संयुक्त राष्ट्र शिक्षक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। उसके बाद इंग्लिश में यूनेस्को की फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो पेरिस में है, फ्रांस में। इसकी स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी, ठीक
ठीक है, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स जो ने सॉरी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो है 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को, तो उसके एक साल बाद जो है इसकी यूनेस्को की स्थापना हुई। तो इसमें जैसे कि ई का मतलब है एजुकेशनल, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है लाइब्रेरी। तो इसके जो घोषणा पत्र है तो क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को 1949 में तैयार किया और 1972 में इसमें संशोधन किया। बाद में 1994 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड फेडरेशन IFLA के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र को व्यापक रूप से सभी देशों द्वारा स्वीकार किया गया। यह सार्वजनिक ग्रंथालय के उद्देश्य गतिविधियों और सेवाओं के रूप में मार्गदर्शन करता है। उसकी निधि अधिनियम और नेटवर्क अपनी जो उसकी कार्यात्मक गतिविधियां और उनका प्रबंध एवं घोषणा पत्र को लागू करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इस सार्वजनिक ग्रंथालय के विशिष्ट उद्देश्यों को भी निर्दिष्ट करता है। तो सार्वजनिक ग्रंथालय के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो उसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर उसको हैंडल कर लेंगे, कोई अलग से नहीं आएगा क्योंकि वो एक रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देख रखी है लाइब्रेरी किस तरीके के क्या चीज़ की होती है, तो वही चीज़ें हैं। तो उसमें आपको कोई इतना पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि संक्षेप में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र में सार्वजनिक ग्रंथालय से ये आशा की जाती है कि वे सूचना शिक्षा संस्कृति जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं तो ये जरूर ध्यान रखें आप, सूचना केंद्र, स्वशिक्षा केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र और स्थानीय सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र। तो अब है सार्वजनिक ग्रंथालय के उद्देश्य एवं कार्य। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो ये कौन है जो लाइब्रेरी साइंस है भारत की, उनके जनक कौन माने जाते हैं भारत में? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार सार्वजनिक ग्रंथालय के निम्नलिखित उद्देश्यों और कार्य निर्धारित किए गए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? तो समाज के प्रति व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। तो हाँ, जीवन पर्यंत व्यक्ति कभी भी जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, चाहे वो 45 का हो चाहे 84 का हो, कभी भी, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं जो है उस व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए, ये सभी कार्य। तो इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, नॉर्मल ही है, तो आप ज़रूर पहचान लेंगे। हालांकि इस तरीके से पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको एक माइंड में होना चाहिए कि क्या एक चीज़ है। जैसे सार्वजनिक ग्रंथालय के उदाहरण हो सकते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। नेक्स्ट है तो शैक्षिक, तो पहले अपन ने देखा कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय। नेक्स्ट है शैक्षणिक ग्रंथालय या फिर उसको शैक्षणिक पुस्तकालय बोल सकते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है किसका, पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का या फिर ग्रंथालय का, ठीक है, ये दूसरा है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ग्रंथालय की भूमिका को संस्थान के उसके शिक्षा दर्शन के संदर्भ में अनुभव किया जाता जा सकता है। और यह संसार के अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के ग्रंथालयों का भी सच है। शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य है लोगों के बीच समानताओं को विकसित करना। सामान्य रूप से शैक्षिक ग्रंथालय जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शामिल किया जाता है, इसमें चार प्रकार के उपभोक्ताओं के शिक्षा स्तर, चार प्रकार के उपभोक्ताएं हैं इसमें, विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी और संस्था के प्रशासनिक, व्यावसायिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारी। अब नेक्स्ट है तो शैक्षणिक ग्रंथालय के निम्नलिखित क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है कि बस एक दो लाइन देख लेते हैं कि शैक्षणिक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरी पूर्ति करना, कि शिक्षा में जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल के लेवल के अकॉर्डिंग सभी बुक्स रखना। जैसे 8th क्लास तक स्कूल है तो हो सकता है 8th क्लास तक की तो वहाँ पर बुक्स मिले ही। उसके अलावा अगर कोई अलग बुक है जो कि एक बच्चों के अकॉर्डिंग है, बच्चों के लेवल के अनुसार है, तो वो सभी चीज़ें तो वहाँ पर पूर्ति होनी ही चाहिए। ऐसा है कि 8th क्लास तक स्कूल है लेकिन वहाँ पर बुक्स तो है 4th क्लास तक की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
नेक्स्ट है समस्त प्रकार की सामग्रियों का संग्रहण व संरक्षण करके अध्ययन व संदर्भ सामग्रियों को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है शैक्षणिक ग्रंथालयों को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो पहले विद्यालय ग्रंथालय में क्या हो सकता है, तो विद्यालय ग्रंथालय के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो पुस्तकें पढ़ने में अभिरुचि जागृत करना, पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ाना, पढ़ने में अभिरुचि के आदतों को प्रोत्साहित करना, तो ये सभी जो क्या है विद्यालय के पुस्तकालय के जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट है जो विद्यालय का पुस्तकालय उसके क्या कार्य हैं, तो छात्रों एवं शिक्षकों के लिए ज्ञान प्राप्ति एवं शिक्षण हेतु उत्तम संग्रह का निर्माण करना, संग्रहित सामग्रियों का उचित व्यवस्थापन एवं प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है तो महाविद्यालय ग्रंथालय, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से, हालांकि पता ही है कि हर जगह कॉलेज में भी होती है, लाइब्रेरी स्कूल में भी होती है, यूनिवर्सिटी में भी होती है। नेक्स्ट है ग्रंथालय समिति, हर महाविद्यालय ग्रंथालय में ग्रंथालय समिति होती है, प्रधानाचार्य उस समिति का अध्यक्ष होता है व लाइब्रेरियन उस समिति का सदस्य सचिव होता है। इस समिति में महाविद्यालय के कुछ वरिष्ठ अध्यापक व महाविद्यालय के बाहर के भी कुछ ग्रंथालय विज्ञान विशेषज्ञ होते हैं। ग्रंथालय की ही दैनिक प्रबंध के लिए कार्यकारी जिम्मेदारी होती है, जबकि ग्रंथालय के विकास की नीति के संबंध में निर्णय ग्रंथालय समिति द्वारा लिए जाते हैं। महाविद्यालय ग्रंथालय के वित्त प्रमुख स्रोत है UGC द्वारा से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, फीस और छात्रों से प्राप्त जुर्माना। तो महाविद्यालय ग्रंथालय के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, किरोड़ीमल महाविद्यालय ग्रंथालय दिल्ली, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय ग्रंथालय, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस प्रकार की है, तो वो तो उसके भी उसी प्रकार के उद्देश्य हैं, बस थोड़ा उनका लेवल जो है बढ़ जाता है। अब है विशिष्ट लाइब्रेरी, ठीक है, तो ये क्या है, वैसे तो तीसरा प्रकार है ये, और उसके वैसे सब जो टाइप्स आ गए हैं उसके की विद्यालय, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी वाली, अब तीसरा प्रकार क्या है कि विशिष्ट ग्रंथालय क्या है। तो विशिष्ट ग्रंथालय 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए, विशिष्ट ग्रंथालय विशेष पाठक वर्ग को विशेष विषय का संग्रह करके विशेष सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन ग्रंथालयों की स्थापना संगठनों की सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है। वे किसी संगठन के साथ संलग्न होते हैं, आमतौर पर ये अनुसंधान और विकास R&D की गतिविधियों के समर्पित होते हैं। सभी प्रकार के प्रलेखों को हैंडबुक, तकनीकी प्रतिवेदन, कला की वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन, ग्रंथ संदर्भ, ग्रंथ सूचियों, नवीन सूचना सेवाएं, बुलेटिन, पत्रिकाएं, अनुक्रमणिका, सारांश, निर्देशिकाएं, प्रलेखन सूचना और अधिक ग्रहण सूचना सूचियों का संग्रह करते हैं। अब है कि विशिष्ट संग्रहालय या फिर जो स्पेशल लाइब्रेरी है उसकी क्या परिभाषा है। हेरोड ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरियंस ग्लोसरी ऑफ टर्म्स में इस ग्रंथालय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विशिष्ट ग्रंथालय विद्वत संगठनों, शोध संस्थाओं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी विभागों और यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा किसी सीमित क्षेत्र में प्रणीत पुस्तकें तथा अन्य मुद्रित चित्रात्मक तथा अभिलेखित सामग्रियों का संग्रह स्थल है। कोई सार्वजनिक ग्रंथालय भी किसी विशेष व्यवसाय वर्ग के लोगों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी ग्रंथालय एवं विशिष्ट विषय ग्रंथालय के रूप में विशिष्ट शाखा चला सकता है। अब है विशिष्ट ग्रंथालय के प्रकार हैं, जैसे सरकारी ग्रंथालय है दिल्ली में है, तो ये सारे क्या है विशिष्ट है। अब है चौथा प्रकार क्या है, राष्ट्रीय ग्रंथालय, ठीक है। अधिकांश देशों में राष्ट्रीय ग्रंथालय राष्ट्रीय संसाधनों का रखरखाव करते हैं, राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी को प्रकाशित करने का दायित्व भी निभाते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथालय राष्ट्र के साहित्य का अधिग्रहण करके उन्हें सुरक्षित रखते हैं। अधिकांश राष्ट्रीय ग्रंथालय विविध अधिकार के अधीन कॉपीराइट अथवा डिपॉजिट योजना राष्ट्र में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक व पत्रिका से को प्राप्त करते हैं।
अब इसके जो है कार्य उद्देश्य और कार्य देख लेते हैं। तो राष्ट्र के ग्रंथालय को नेतृत्व प्रदान करना, देश में जारी किए गए सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह के रूप में सुनिश्चित सेवा प्रदान करना, अन्य प्रकार की सामग्री का अधिग्रहण करना, संदर्भ ग्रंथात्मक सेवाएं प्रदान करना, सहकारी गतिविधियों के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना और सरकार को सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट है सेवा ग्रंथालय को उदाहरण। तो यह है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, तो ये कहाँ है भारत में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो ये कहाँ है यूएसए में, ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके, और कनाडा का राष्ट्रीय ग्रंथालय कनाडा। तो ये थी आपकी चार प्रकार की मुख्यतः लाइब्रेरीज। इसके अलावा आप एक शब्दावली जरूर ध्यान रखें कि बिब्लियोग्राफी क्या है, संदर्भ ग्रंथ, कि पुस्तकों और श्रव्य दृश्य सामग्री को तार्किक ढंग से लेखक लेखक के नाम, शीर्षक, दिनांक, स्थान, प्रकाशक, संस्करण, पृष्ठ आदि के अनुसार व्यवस्थापन करना क्या होती है, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बिब्लियोग्राफी। तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। तो ये था जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगा कि ये नोट करनी चाहिए, हालांकि जो मैंने बता दिया था आपको जो भी इम्पोर्टेंट था, हालांकि सभी थ्योरी है, आप एक बार में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो एक लाइब्रेरी चीज़ है अपने रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार की लाइब्रेरी और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, लेकिन उसका काम जो है ज़्यादा विभिन्न प्रकार का नहीं होगा, छोटे लेवल पर जो होता है बस उसका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। तो ये आप बात आप ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें थोड़ा डिटेल में यही है कि लाइब्रेरी के बारे में किस प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, ये सभी चीज़ें हैं। आगे धीरे धीरे जब और टॉपिक्स आएंगे तो उसमें सारा कवर हो जाएगा, इसलिए पहला वीडियो जो है आपको लगा होगा कि थोड़ा ज़्यादा ही इसमें लाइंस या फिर बोल सकते हैं थ्योरी ज़्यादा है। तो अब जो ये तो था जो फर्स्ट दो चार टॉपिक्स थे उसमें कवर हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हालांकि एक एक टॉपिक कवर नहीं करेंगे, एक साथ दो से तीन टॉपिक जो है कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तो ये जो लाइन्स है तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि एस रंगनाथन जो है कि उन्होंने उनको जो है क्या कहा जाता है, भारतीय जो लाइब्रेरी साइंस का जो जनक कहा जाता है। इसके अलावा आपको जो है यूनेस्को की जो है फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है कि क्या होगी इसकी, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है तो यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद है एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हालांकि यूनेस्को की तो आप कर लोगे, लेकिन जो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है कि IFLA की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। तो IFL की जो ये फुल फॉर्म है वो ये है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड फेडरेशन। तो ये जो है फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखें, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज करें क्योंकि इसको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ये एग्जैक्ट आपके टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दे रखा है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये था लाइब्रेरी के लिए एक स्पेशल वीडियो, तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और पहली बार इस चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो ऐसे ही जो है डेली आपका पूरा जो कोर्स है वो कवर कराया जाएगा, और जो डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, और जो आपको अगर इस जो ये PDF है अगर आपको डाउनलोड करने हैं, हालांकि अगर मैं जो लिंक दूंगी तो कई लोगों से जो इससे डाउनलोड नहीं होता, तो आप इसके लिए जो है मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली जो है इट इज़ नेहा टाइप करना है टेलीग्राम पे, या फिर आपको जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो है ये दोनों जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे इजीली। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। सो इस तरीके से बने रहिए चैनल के साथ। सो थैंक यू, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। सो थैंक यू।